I am Ravi Kumar, film director of this film. Ka. He is Nitin Nash, he is the hero. She is Parna Shetty from Bombay, she is the heroine. So, I have a film in Kashmir. I have been shooting for 1 month. Completely, successfully, 1 month, I have been shooting my film here. I am very happy. यहाँ लोकल पब्लिक जितना जितना सपोर्ट किया था बहुत प्यार से सपोर्ट किया इसके लिए मैं हम ये फिल्म कंप्लीट किया गवर्नमेंट में भी बहुत सपोर्ट किया सिक्योरिटी दे अरेंज लॉट सिक्योरिटी फॉर अस पर्टिकुलरली दिस सिचुएशन में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई आके यहाँ इतना दिन शूटिंग नहीं किया सो सेफली कंप्लीटेड किया था अगर ये फिल्म के बारे में मैं बता रहा हूँ शी प्लेइंग हीरोइन इन द फिल्म शी इज़ अ मुस्लिम गर्ल इन कश्मीर शी इज़ प्लेइंग एज अ जर्नलिस्ट सो वो कश्मीर में आएगा दोनों को मुलाकात होता है दोनों को प्यार होता है बाकी फिल्में देखी है दिस इज द स्टोरी बेस्ड हम 1 महीने से फिल्म कर रहा हूँ यहाँ जहाँ जहाँ डाल लेक है सोनामर्ग है गुलमर्ग है पहलगाम सिटी में मुगल गार्डन हर जगह पे शूटिंग किया था बहुत सिक्योरिटी के साथ किया हूँ हर आदमी कश्मीर का हर इंसान बहुत अच्छा प्यार से सपोर्ट किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है आई एम वेरी हैप्पी लीड इन द फिल्म रोज गार्डन एंड आई एम इन कश्मीर राइट नाउ फ्रैंकली आई वांट टू से दैट इट्स ओवर हाइप्ड एंड over exaggerated and the fear has been developed in the hearts of people not only in Kashmir but all over India and all over the world but after coming here I felt that there are people in Kashmir who are very welcoming who are very good with the people and the people the tourists and like we are the tourists only here right the outsiders I felt extremely secure. I feel people are very helpful over here and काफ़ी अच्छे लोग हैं मुझे नहीं लगता इतना हाइप करना चाहिए चीज़ों को क्योंकि यहाँ के लोग भी डर रहे हैं एंड बाहर के लोग भी डर रहे हैं डरना नहीं चाहिए बिकॉज हमें यहाँ पर 1 महीने हुए हैं आई एम सेफ एंड सिक्योर यू कैन सी दैट सो आई थिंक एनीबडी कैन कम एंड विजिट योर एनी टाइम इट्स गुड एंड सेफ आई वुड लाइक टू से जस्ट वन थिंग to not predict until and unless you see and you yourself experience something like that so for that you need to get the fear out of yourself and just explore